अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको शोबिज़ के कुछ ऐसे सितारों से मिलवाने जा रहे हैं जो एक्टर्स में तो उन्होंने अपना बहुत नाम कमाया है, लेकिन अपनी ज़ाती ज़िंदगी में वो एक डॉक्टर भी हैं। नाज़रीन, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। सबसे पहले बात करते हैं शाइस्ता लोधी की। शाइस्ता लोधी जो कि एक बेहतरीन मॉर्निंग शो होस्ट, अच्छी अदाकारा होने के साथ साथ एक अच्छी स्किन स्पेशलिस्ट भी हैं। ये कराची में अपना एसेथेंटिक क्लिनिक चला रही हैं और ये लोगों की स्किन को फ्लॉलेस बनाती हैं। अब बात करते हैं नादिया हुसैन की। तो नाज़रीन, नादिया हुसैन एक मॉडल और अदाकारा होने के साथ साथ एक डेंटिस्ट भी हैं जो जिन्ना कॉलेज से ग्रेजुएट हुई। बात करते हैं फाहद मिर्ज़ा की। फाहद मिर्ज़ा ब्यूटी और ग्रेस की परफेक्ट एग्जाम्पल हैं। फाहद मिर्ज़ा अदाकार होने के साथ साथ एक अच्छे प्लास्टिक सर्जन भी हैं और ये इस वक्त लियाकत इंटरनेशनल हॉस्पिटल कराची में काम कर रहे हैं। अदील चौधरी। अदील चौधरी एक सिंगर, एक्टर और बेस्ट मॉडल होने के साथ साथ एक डेंटल भी हैं। इन्होंने अपनी डिग्री लाहौर के मशहूर डेंटल कॉलेज से ली है। आमना शेख। आमना शेख न्यूयॉर्क सिटी में पैदा हुई और अब मॉडल और एक्टर होने के साथ साथ ये एक फार्मासिस्ट भी हैं। अब बात करते हैं मुनस्सा इब्राहिम की। तो मुनस्सा इब्राहिम मल्टी टैलेंटेड हैं, एक फिजिशियन भी हैं और ये अपनी क्लास में सबसे ज्यादा जहीन स्टूडेंट रह चुकी हैं। बात करते हैं आयशा गुल की। आयशा गुल एक मशहूर अदाकारा हैं और इनके साथ साथ एक MBBS डॉक्टर भी हैं। इनका ये कहना है कि वो अदाकारा ना होती तो एक प्लास्टिक सर्जन होती। तो नाज़रीन, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। हमारी इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।